असल उमर, मैं हूँ सैयद फयासन शाह, हार्टिकल्चरिस्ट अपने चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक के साथ। आज मैं आपको बताने चला हूँ कि हाउ टू ग्राफ वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल को हम कैसे ग्राफ करते हैं। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का एक मकसद है, हम उसमें दो तीन चीज़ें ले रहे होते हैं। एक तो ये है कि मसलन जो सॉइल बोर्न डिजीज हैं, जो ज़मीन से बीमारियां लगती हैं, उनका खात्मा हो, वो ना हो। दूसरी जो चीज़ है कि हमारा रूट स्टॉक, ये हमारे पास मसलना में रूट स्टॉक हम दे रहे हैं कद्दू को, पंपकिन को, तो इस पे हम ग्राफ करने चले हैं अपना तरबूज वाटरमेलन, और ये अगस्ता वेराइटी है, बड़ी खूबसूरत और सिंजेंटा की, और ये पंपकिन कद्दू। ये आप देखेंगे जब आप कद्दू लगाते हैं तो ये किसी भी पानी मिले थोड़ा ना मिले तो बड़ी कद्दू की एक बेल भी आपको पूरे घराने के लिए कद्दू काफ़ी पैदा कर देती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि इसका ये हमारी लोकल एक रूट स्टॉक है, इसका स्ट्रांग रूट सिस्टम है, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ है, बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफियत है इसकी, और इसके बाद पानी की कमी बेशी वो भी बर्दाश्त करता है। तो इस तरीके से आज हमने सेलेक्ट किया है एक इसको, और एक किया है हमने घिया तुरी को, ये बतौर रूट स्टॉक। और इन पे आज हम जो ग्राफ्ट करने चले हैं वो हमारा वाटरमेलन है और उसकी वैरायटी है अगस्ता। इसको हम ग्राफ्ट करने के बाद फिर हम थैली में लगा देंगे, और थैली में के बाद हम इसको साय में शापर ऊपर से टनल बना के बंद कर देंगे, उसमें हम हल्के से पानी छोड़ेंगे ताकि फ्यूम उड़ते रहें, और इसमें नमी 90% आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम से कम 90% होनी चाहिए। इसके लिए ये देखेंगे सबसे पहले मैं इसको ना दरमियान से इसको काटूंगा, जो इसका सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा प्लेट की मदद से। ये इसको कहते हैं सिंगल पार्टी रिटन ग्राफ्ट, इसका एक पत्ता हम रहने देंगे, एक पत्ता हम रहने देंगे, और उसके साथ आप ये देखें हम ये हमारा जो है ना ये वाटरमेलन है, अगस्ता वेराइटी है, इसको हम यहाँ से तराश लेते हैं। डेलिकेट काम है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है इसको। ये देखो, ये हम इसके साथ इसको लगा रहे हैं, जो कट है दोनों साइडों का उसको हम ये लगा रहे हैं, ये सिंगल कट ग्राफ्ट कहते हैं। तो इसके लिए हम इसको बांध देते हैं इसके साथ, वैसे तो इसके लिए क्लिप होते हैं, क्लिपिंग हो जाती है, लेकिन अब इसको हमने इसके साथ बांध देना है। ये भी एक बेस्ट तरीका है, देसी तरीके हैं हमारे अपने, वरना क्लिपिंग होती है इसकी। ये हमने बांध दिया है इसको इसके साथ, उसके ऊपर आप एहतियातन ये सॉल्यूशन टेप इसके ऊपर लगा दें। ये आपका एक जोड़ बन गया है, ये बिल्कुल है, इसको हम रख देते हैं, इसके साथ एक और भी लगा देते हैं ताकि ये भी मसरूफ में हो जाए, सही सेटिंग हो जाए इसकी। नीचे हमने उसको पॉलीएथिलीन से बांध दिया। अब ये हमारा एक ज
जड़ हम ले रहे हैं पंपकिन से, कद्दू से, और जो हमारा शूट है वो है जो जा रही है ऊपर शाफ, वो है आपका अगस्ता वेराइटी वाटरमेलन की। इस तरीके से हम इसको वो लगा देंगे उसमें ट्यूब में, प्लास्टिक ट्यूब में, और ये बेटर हो जाएगा काम हमारा। ये तोरी है जिसे हम स्पंज गोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, ये तोरी है, ये इस पे भी हमने अगस्ता वेराइटी जो है ना वाटरमेलन लगी। आप देखें तोरी आप लगाते हैं तो इतना अच्छा ये रूस्ट आ गया, आप इसकी एक ही जो बेल होती है वो इतनी तोरियाँ देती है पूरा घर किचन उससे चलता है। तो इस यही हम देख रहे हैं कि इससे एक तो हमें ये बीमारियों के खिलाफ कुत मुदाफियत है इसकी, और रूट स्टॉक हमारा जो है ना दूरी हो गया। ऊपर हमने अगस्ता लगा दिया है वाटरमेलन, और इस तरीके से नीचे कद्दू है हमारा, आप देखें कद्दू एक बेल हो तो कितने कद्दू लग जाते हैं, और ऊपर हमारा वाटरमेलन है अगस्ता, तो सेम ये भी पंपकिन है और इसके ऊपर भी वाटरमेलन लगा है। इस तरीके से हम सारे ये ना एक तरह से ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे और आप इंजॉय करेंगे कि इसको कैसे प्रूव लगता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।